कि लाइन कॉपी कर रहा है स्काई का सारी चीजें, अभी अभी बंदा चला गया उसके बाद ये कॉपी कर रहा है, दोस्त बन रहा है स्काई, पहले बोल के गया कि भाई मेरा लाइन कॉपी नहीं करना, ठीक है? आप बन ही नहीं सकते just because you roast boss don't make you boss, boss थोड़ी ना पहले उस पे रोस्ट बनाता था, ठीक है? बॉस बनना ही नहीं भाई, इतने बुरे दिन थोड़ी ना आए मेरे, इतने बुरे दिन आए नहीं ना। तो गाइस जितने भी बंदे इस वीडियो को देख रहे हो, पहली बात तो हेडफोन लगा के पूरी वीडियो देखो, और मैं दावा करता हूँ कि ये वीडियो देखने के बाद आप कभी भी बॉस ऑफिशियल को या उसके चड्डे वड्डे जितने भी लोग हैं उनको आप कभी नहीं देखोगे, क्योंकि आप जब भी उनके चैनल देखोगे या उनकी वीडियोस देखोगे आप उनको गाली ही देने जाओगे, उसके सिवा कुछ नहीं करोगे। क्योंकि गाइस आप लोगों ने देखा होगा कुछ दिनों से कॉन्ट्रोवर्सी चल रहा है, इसमें मैं भी मजे लूट रहा हूँ, वो भी मजे लूट रहा है, मेरे को क्या, मैं तो एक्सपोज कर रहा हूँ और वो डिफेंड कर रहा है। अभी जैसे एक्सपोज करते करते अभी कुछ बचा नहीं तो रोने पे आ गया कि देखो चैनल डिलीट हो गया कुछ भी करके, अभी सारे बंदे गालियां दे रहे हैं, अभी तो कुछ अलग करना पड़ेगा। तो बंदे ने कुछ अलग किया, अलग ट्राई किया, अच्छी बात है, लोग मैनिपुलेट हो गए फिर से, बंदे का चैनल डिलीट होने वाला है। बट आज की वीडियो में मैं ऐसी ऐसी चीज़ें दिखाऊंगा जिससे आप लोग कभी भी बॉस वालों को तो देखना ही छोड़ दोगे, कभी नहीं देखने वाले तुम लोग आज के बाद। ऐसे भी चैनल तो उसका खत्म होने वाला था, तो अभी कुछ पॉइंट्स मैं पहले ही क्लियर कर देता हूँ कि मेरी वीडियो जिन लोगों ने पहले नहीं देखी, देखने की जरूरत नहीं है, इस वीडियो से आप लोगों को पूरी क्लियर हो जाएगी, है ना। इस वीडियो में मैंने ऐसे ऐसी चीजें दिखा दूंगा कि पिछले वीडियो से अगर ना भी देखा है कोई बात नहीं, अगर आपका स्काई के सब्सक्राइबर हो तो पूरी वीडियो देखो, क्योंकि इसमें स्काई लॉर्ड की तरफ से बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेशन मैंने डाला है इस वीडियो में। ऐसे तो मैंने सोचा था ये सब नहीं करना चाहता, मैं ये सब नहीं डालना चाहता, मैं तो भाई बॉस के ऊपर पता नहीं 2-4 वीडियो एक्सपोज में डाल दिया, एंड भाई फ्री में फोकट में नहीं डाला, मैंने उस पर स्पॉन्सर भी किया, पैसे भी लिया, क्योंकि फोकट में भाई किसको क्यों स्पोक्स करूँ भाई, मेहनत क्यों करूँ, है ना। तो ही बात है, तो अभी क्यों, और एक बात, हम लोग अगर चाहते हैं ना, मतलब मैं अगर चाहता हूँ स्काई की थंबनेल में भी फोटो लगा सकता हूँ, स्काई की टाइटल में भी लगा सकता हूँ, हर चीज कर सकता हूँ, बट हम कर रहे क्या, नहीं कर रहे। डालो, नहीं तुम बिंदास वीडियो डालो, स्काई के चैनल से तुमको कोई स्ट्राइक भी नहीं पड़ेगी कभी। सर ये इंपॉर्टेंट चीज है जो हम करना चाहते हैं, ताकि ये नहीं सोचेगा ना लोगों तक, मैनिपुलेट होंगे, कोई दिक्कत नहीं, करो बिंदास करो, मेरे को भी मेंशन करो जहाँ पे मेरा पार्टनर है, कोई दिक्कत नहीं। और आगे कीवर्ड की बात की, कीवर्ड कि बहुत मेरे को एक्सपोज आ रहा है, मेरे को एक्सपोज कर रहे हैं कि जीएस के देखो हिडन कीवर्ड यूज कर रहा है, हिडन कीवर्ड, अगर भाई उतना ही हिडन कीवर्ड काम करता है ना, तो खुद क्यों नहीं यूज करते, सामने वाले जो लोग बोल रहे हैं वो लोग खुद क्यों नहीं यूज कर रहे, वो बंदे थंबनेल में क्यों लगा रहे हैं स्काईलॉर्ड की लोगो फोटो, वीडियोस में क्यों यूज कर रहे हैं स्काईलॉर्ड की वीडियोस, एंड टाइटल में क्यों लगा रहा है स्काईलॉर्ड, क्योंकि वो कीवर्ड व्यूवर्ड कुछ नहीं होता। अगर स्काईलॉर्ड के नाम पे व्यू लेना है ना, तो स्काईलॉर्ड की प्रॉपर फोटो लगाना पड़ेगा, स्काईलॉर्ड की प्रॉपर लोगो लगाना पड़ेगा, स्काईलॉर्ड की नाम टाइटल में लगाना पड़ेगा, तब आएगा स्काईलॉर्ड की व्यूज। अगर कीवर्ड लगाने से व्यू आ जाता ना, तो तू हर वीडियो में कीवर्ड ही लगा था, 5-5, 10-10 वीडियो में उसकी फोटो ना चिपका था, उसका टाइटल में नाम ना चिपका था, है ना। तो कुछ चीजें मैं क्लियर कर देता हूँ, ये बंदा कुछ दिन आप लोगों ने देखा होगा, मैं कल एक रोता हुआ एक फनी सा वीडियो बनाया था, तो बहुत लोगों को समझ में तो आ गया था जो मेरे सब्सक्राइबर हैं, अभी बहुत लोग पता नहीं एकदम बच्चे होंगे तो उनको समझ में नहीं आया होगा वाले वीडियो कि मैं उस वीडियो में क्या बताने की कोशिश कर रहा था। तो अभी आ जाते हैं कॉपीराइट के ऊपर, जब इसको हेट मिलने लगा तब भाई कॉपीराइट आया है, चैनल डिलीट होने वाला है। तो बहुत लोगों ने मेरा जो सब्सक्राइबर है मेरे जो मेरे को फॉलो करते हैं उन लोगों ने पता ही होगा कि मैंने इसको कॉपीराइट दिया था इसकी सेकंड चैनल में, इसकी सेकंड चैनल में मैंने कॉपीराइट दी थी क्योंकि इसने मेरी फैमिली वाले को गाली दिया था, तो इसको मैंने कॉपीराइट दिया था। अभी कॉपीराइट दिया था और इसकी मेन चैनल में मेरी एक वीडियो थी जिसमें इसने ज़्यादा गाली नहीं दिया, है ना, इसने ज़्यादा गाली नहीं दिया उसमें, इस वजह से मैंने उसकी मेन चैनल में स्ट्राइक नहीं मारा। मैंने मेंशन भी किया था मेरी कम्युनिटी पोस्ट पे कि तेरी सेकेंड चैनल में स्ट्राइक दे रहा हूँ, आगे से ऐसा गलती मत करना, ऐसे करके लिखा था, तो मेन चैनल में नहीं दे रहा हूँ। बट बंदा तो है पैदाइशी चूतिया मादर चूत का बच्चा, तो इस वजह से क्या किया उसने, मेन चैनल में जिस जगह पे मेरी वीडियो यूज किया था उसको ट्रिम करके डिलीट कर दी, तो समझ रहे हो, वो मतलब आप लोग समझ पा रहे हो, मैंने जानबूझ के उसकी मेन चैनल में स्ट्राइक नहीं मारा। जो भी बंदे ब्लेम कर रहे हो मेरे को उसकी तरफ से आके, मैं पहले बता दूं, मैं जानबूझ के उसको स्ट्राइक ही नहीं मारा, है ना, मैं उसको छोड़ दिया कि उसकी मेन चैनल मेहनत वहनत कुछ भी किया है, मेन चैनल को छोड़ता हूँ, उसने मेरी मैंने उसकी सेकंड चैनल की वीडियो डिलीट करवा दी। मेन चैनल में मैंने नहीं मारा, मैंने लिखा भी कि मैं तेरा मेन चैनल में नहीं मार रहा स्ट्राइक। बंदे ने क्या किया, अपनी मेन चैनल से वो वाला वीडियो डिलीट करके मेरे को कोस रहा है कि तू लंड मार पाता, तेरी औकात है क्या, ऐसा ऐसा, मतलब समझ रहे हो, अगर मारता मैं मेन चैनल में तो ज्यादा अच्छा होता, क्योंकि मैं अच्छा हूँ क्योंकि मैंने नहीं मारा, तो ये बंदा उसी को घुमा के पॉइंट बना के मेरे को बोल रहा है ना। तो ये बात हो गई एक। अभी आ जाता है कि स्ट्राइक किसने मारी इसकी चैनल में, तो इसकी चैनल में ये जो बोल रहा है रेंडी रूना कर रहा है आर आर इसकी कमेंट में लिखा रहा है, इसकी चैनल में कोई स्ट्राइक वाइक नहीं है, इसकी चैनल में एक स्ट्राइक पड़ी है
मेरे को जितना लगता है पागल एम10 ने दिया है इसको, है ना। पागल एम10 की तरफ से पढ़िए, पागल एम10 मेरा दोस्त नहीं है, किसी से भी बात कर लो पूछ लो, पागल एम10 मेरा दोस्त भी नहीं है, कुछ नहीं है, शिवा गेमिंग भी मेरा दोस्त नहीं है, टाइटेनियम लेजेंड में डीसी में आता है यही, है ना। तो पागल एम10 ने इसको एक स्ट्राइक मारा है, समझ रहे हो बात। पागल एम10 इसको 3 स्ट्राइक मार सकता है, 4 स्ट्राइक मार सकता है, बट पागल एम10 ने इसको 1 स्ट्राइक मारा है, मतलब इसकी मेन चैनल में जस्ट 1 स्ट्राइक आया है और ये बोल रहा है मेरा चैनल डिलीट होने वाला है। मतलब समझ लो, इतना बड़ा रोस्टर दबा करते हैं अपने आप को, एक्सपोजर दबा करता है, वो बंदा 1 स्ट्राइक से हक दे रहा है, ये तुम लोगों का मसीहा बनेगा, समझ लो, ये तुम लोगों का मसीहा बनने वाला है। अभी और भी बताता हूँ, ये बंदा मैटर को क्लोज आप लोगों को उल्टा सीधा समझाने के लिए ये कम्युनिटी गाइडलाइंस स्ट्राइक दिखा रहा है। अगर आप लोग गौर करे होंगे इस कम्युनिटी गाइडलाइंस की जो डेट है कोने में लिखा होता है, इस डेट के देखो, इस डेट में अगर ये सही है, मेरे को लगता है फेक है, बट अगर ये सही है, क्योंकि मेरे को क्योंकि ये वीडियो जिस पे कम्युनिटी गाइडलाइंस स्ट्राइक आया है ये अभी भी इसके चैनल में है, अगर किसी बंदे को स्ट्राइक आता है तो वीडियो डिलीट हो जाता है, ये बच्चे से बच्चे लोगों को भी पता है, बट ये वीडियो इसकी चैनल में है, बट ये बोलता है कि मेरे को कम्युनिटी गाइडलाइंस स्ट्राइक आया है, पता नहीं मेरे को कि आया है कि नहीं आया है, ये दावा करता है क्योंकि ये आप लोगों को उल्लू बनाना चाहता है जो भी है, और अगर आया भी है फिर भी उल्लू बनाना चाहता है, क्योंकि इसकी डेट देख लो, इसकी डेट है कॉन्ट्रोवर्सी जब शुरू भी नहीं हुआ था, स्काईलॉर्ड की डेथ हुई थी या नहीं हुई थी उससे भी पहले का इसने किसी ने सबमिट किया था इस कम्युनिटी गाइडलाइंस को यूट्यूब की तरफ से, तब की ये स्ट्राइक है, अब तब उस वाली स्ट्राइक को ये स्क्रीनशॉट लेके या एडिट करके अभी बोल रहा है कि मेरे को कम्युनिटी लाइक। अरे भाई मैं तो यूट्यूब में ही नहीं था तब, मैं तो गाइस यूट्यूब में आया हूँ कुछ दिन पहले, कंटिन्यू कर रहा हूँ, तब तो था ही नहीं मैं, हो गया। अभी बता दो कि ये भी गलत है जीएसके, कि जीएसके नहीं मारा है। अभी आ जाते हैं और एक पॉइंट में, कम्युनिटी गाइडलाइंस स्ट्राइक क्या मैं दे सकता हूँ, मेरे को बताऊँ, कम्युनिटी गाइडलाइंस स्ट्राइक मैं दे सकता हूँ, कम्युनिटी गाइडलाइंस स्ट्राइक ओनली यूट्यूब दे सकता है। अगर कोई बंदा फ्रॉड कर रहा है, कुछ इलीगल कर रहा है, किसी को धोखा दे रहा है, उस जगह पे कम्युनिटी गाइडलाइंस स्ट्राइक आता है, यूट्यूब देता है, कोई भी पर्सन नहीं दे सकता कम्युनिटी गाइडलाइंस स्ट्राइक। तो ये बंदा उस कम्युनिटी गाइडलाइंस स्ट्राइक किसने दिया, कब दिया, किस वजह से दिया कुछ नहीं पता, कब आया पता नहीं, उसकी कुछ एडिट वेडिट करके या कुछ पता नहीं क्या करके वो उधर दिखा रहा है कि देखो मेरे पे स्ट्राइक आया, हमने दिया स्ट्राइक कम्युनिटी। आप लोग चूतियो, जो बंदे बच्चे है के मेरे को कमेंट हो रहा, आप लोग चूतियो, दिमाग नहीं, आप लोगों को फ्यूचर में क्या सीखोगे यार, यूट्यूबर बनना चाहते हो दिल में ख्वाब लेके और ये सब नॉलेज नहीं रखते, हो गया। तो बंदे को टोटली कुल मिला के 1 स्ट्राइक आया है। अभी बता दो एक चैनल डिलीट होने में कितने स्ट्राइक लगते हैं, एक चैनल डिलीट होना में 4 स्ट्राइक लगते हैं। 4 स्ट्राइक कैसे बोल रहा हूँ, क्योंकि 1.5 साल हुआ है, YouTube की न्यू रूल है, आप लोगों को पता होगा जो लोग यूट्यूबर हो, पहली स्ट्राइक माफ कर देता है YouTube, है ना। अगर किसी बंदे पे स्ट्राइक आता है, पहली स्ट्राइक माफ हो जाता है YouTube की तरफ से, वो स्ट्राइक नहीं आता, जस्ट वार्निंग हो जाता है, जैसे अनग्रेजुएट के साथ हुआ है, आप लोगों ने देखा होगा कुछ दिन पहले अनग्रेजुएट को एक स्ट्राइक आया, कोई स्ट्राइक नहीं है, वो माफ हो चुका है, अगर स्ट्राइक आता भी है पहली वार्निंग हो जाता है, उसने खुद ही बोला कि वार्निंग आ रहा है, वार्निंग आ रहा मतलब स्ट्राइक माफ हो चुका है। अगर पहली स्ट्राइक आता है आपकी चैनल में वो स्ट्राइक माफ हो जाता है, कोई कॉपीराइट नहीं आता, आपकी वीडियो डिलीट हो जाएगी और उस पर स्ट्राइक नहीं लगेगी, वो वार्निंग हो जाएगा। उसके बाद अगर 3 स्ट्राइक आता है तो आपकी चैनल डेड होगी, वो भी 7 दिन के बाद, 3 स्ट्राइक मतलब समझ रहे हो, मतलब कुल मिला के अगर गौर करोगे 4 स्ट्राइक चाहिए एक चैनल को डिलीट होने में, आप लोगों को कितना बड़ा उल्लू बनाता है ये। उसकी चैनल में सिर्फ 1 स्ट्राइक आया है, वो भी पागल एम10 ने दिया है, क्योंकि मैंने पागल एम10 से पूछा तो पागल एम10 बोल रहा है कि पागल एम10 की वजह से इसकी चैनल में 2 से 3 लाख सब्सक्राइबर बढ़े, क्योंकि पागल एम10 की गेम प्ले में रिव्यू करता था एंड उसमें मिलियंस पे व्यू आता था, और ये पहले ऐसा भी करता था बकचोदिया, और इससे ही इसको सब्सक्राइबर गेन हुआ है स्पेशली, और बाद में इन्हीं लोगों को एक्सपोज कर रहा है, तो गुस्से में आके शायद दिया है, मेरे को उस मैटर में नहीं घुसना, क्या हुआ है ना हुआ है मेरे को नहीं पता, और मैं देखा भी नहीं क्या हुआ था, हो गया कि पूरी फेक रेंडी रोना कर रहा है। अभी बंदा एक्सपोज होने के बाद से ये GW करण B2YT पता नहीं उसके कौन कौन से बाप की बिखरे हुए औलादों की चैनल में जाके वीडियोस बना रहे, अपने को डिफेंड, वो एक्सपोज कुछ नहीं कर रहा किसी को, अपने को डिफेंड कर रहा है, लाइक डिफेंस समझ रहे हो कि एक्सपोज हो चुका है बंदा, अभी वो उसको ठीक करने की कोशिश कर रहा है, जो अपनी नाम वाम कम्युनिटी बच्चा है ना उसको ठीक करने की कोशिश कर रहा है इसकी उसकी चैनल में वीडियोस छोड़ के, कि जो भी बच्चे ऑडियंस है उनको दादा समझा समझा के मैं डिफेंड हो जाऊं और मेरे सब्सक्राइबर मेरे को गालियां ना दे, उस जगह पे वो ट्राई कर रहा है इसकी उसकी। मैंने किसकी चैनल पे जाके, मेरे इसके ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट है मेरे पास, इसके पास अगर 4 यूट्यूबर दोस्त है, मेरे पास 100 यूट्यूबर है, मैं 100 यूट्यूबर की यूट्यूब चैनल में जाके मैं बोल सकता हूँ भाई ये ऐसा ऐसा है मैं वीडियो बना सकता हूँ, कर रहा हूँ क्या मैं, करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि मेरे को तो एक्सपोज नहीं किया किसी ने, है ना, इसको एक्सपोज हो गया तो ये डिफेंड करता फिर रहा है। अभी आ जाते हैं गाइस, अभी किसका हो गया स्ट्राइक वाला मैटर, इसका रेंडी रोना हो गया, इसकी व्यूज तो भाई रेंडी रोना, वो तो हिंदू मुसलमान शुरू कर दिया ना, हिंदू मुस्लिम इंडिया पाकिस्तान शुरू कर दिया, वीडियो के अंदर कुछ नहीं मिलेगा आपको, कंटेंट आखिरी में घुमा फिरा के निपट जाएगा बंदा, घुमा फिरा के चला जाएगा, बट टाइटल टैग में हिंदू मुस्लिम ही लगा देगा, चल रहा है ना मुस्लिम, उसकी हिंदू मुस्लिम लगा दिया, इंडिया मुस्लिम, ये यही सब बकचोदी है इसकी कॉन्टेंट में,
अभी यही सब करके क्लिक्स, जिनमें क्लिक्स आते हैं ना उन्हीं सब कंटेंट को ये बनाता है, वरना भाई आज के टाइम में ना पूरी गेमिंग कम्युनिटी में किसकी चैनल में व्यू नहीं आ रहा, और व्यू आते हैं सिर्फ चुतियप्पा करके, और ये बंदा वही कर रहा है ना। अभी अभी मैं बता दूं दूसरी पॉइंट जो ये थोड़ा सा बेटू को भी बोल दूं, बेटू भाई उछल मत यार, क्या कर रहे है यार, लोगों की कमेंट एडिट करके ग्रो हुआ है तू, भूल गया क्या, और हैक बेच बेच के और तू भाई रोस्टिंग में आ गया, ये क्या देख रहा हूँ मैं आजकल। तो पहली बात तो गाइस मेरे पास बेटू की बहुत सारी क्लिप्स है जहाँ पे बेटू हैक सेल करता है, हैक सिखाता है। मैंने अभी तो उसे पब्लिक नहीं किया, मैं थोड़ा सा डेमो फिर भी दिखा दूंगा, चलो देख लो आप लोग, ठीक है। तो आप लोगों ने देख लिया कि इसमें ये हैक करना सिखा रहा है, मैं छोटा सा पार्ट दिखा है, ये ऐसी हैक दिखा रहा है जो डिटेक्ट नहीं कर सकता और कोई ढूंढ भी नहीं सकता, ऐसी हैक दिखा रहा है, समझ लो मेरी डिस्कॉर्ड में दिखा रहा था। तो ये 2 साल पुरानी वीडियो, समझ लो आज के टाइम में क्या करता है ना। तो ये बंदा ऐसा है, तो इसको और इसके चैनल ग्रो, इसको टोटल गेमिंग ने बोला है सब्सक्राइब करो, राइस्टन ने बोला है इसको सब्सक्राइब करो, फिर देसी गेमर ने भी इवन बोला है बेटू वाईटी को सब्सक्राइब करो। आप लोगों ने इसकी पुरानी वीडियोस देखे होंगे तो पता ही होगा। बेसिकली क्या होता है, आप किसी भी कमेंट को कुछ भी कर सकते हो, लाइक आप अपनी, अगर आपके पास पीसी है, क्रोम है, आप F11 दबाओ, F11 दबाने के बाद आप F11 दबाने के बाद क्या कर सकते हो ना, कमेंट या कुछ भी टेक्स्ट एडिट कर सकते हो, हाँ कमेंट या कुछ भी टेक्स्ट एडिट कर सकते हो, लाइक आप उसको कुछ भी बना सकते हो। तो ये क्या करता था, आप अपनी क्रोम खुलो, F12 दबाओ, F12 दबाने के बाद किसी भी कमेंट को चेंज कर सकते हो। तो ये बंदा क्या करता था, टोटल गेमिंग ने कहीं पे कमेंट किया है तो क्या करता था, टोटल गेमिंग की उस कमेंट को एडिट कर देता था कि बेटू आईटी को, उसने टोटल गेमिंग ने लिखा कि देसी गेमर को लिखा कि देसी गेमर भाई बहुत अच्छा कर रहे हो, तो ये क्या करेगा, देसी गेमर वहाँ पे डिलीट कर देगा और बाकी का डिलीट कर देगा, फिर लिख देगा बेटू आईटी को सब्सक्राइब करो, ऐसे करके कमेंट एडिट कर देता है, एडिट करके अपनी वीडियोस भी दिखाता है। अभी आप सोचो कि इसकी गेम में इतने यूट्यूबर आते कहाँ से, तो भी मैं बताता हूँ, मेरे को सब पता है भाई, मैं खोलने बैठ गया ना चड्डी खुल जाएगी तेरी। एक है 5-स्टार गेमिंग, एक है असीम आईटी, एक है ये बेटू क्या नाम है इसका, बॉस ऑफिशियल। ये लोग अपनी नाम को चेंज करते हैं क्योंकि इनके पास भी बैच थे, किसी के पास थे अभी तो नहीं है, अभी बहुत लोगों के पास अभी भी है, तो जिनके पास भी बैच है ये लोग क्या करते हैं, उनकी नेम्स चेंज करते हैं। मैंने तो खुद से देखा है, तो जब राइस्टर लगाया था तो राइस्टर लगाने के बाद ये लोग गेम सेट करते हैं, फिर गेम में जाता है, फिर ये डिस्कॉर्ड में कनेक्ट रहते हैं और बोलते तू इधर आ, फिर ये बंदा क्या करता है, उसको बोलता है तू ऐसे ऐसे एक्टिंग कर, ऐसे ऐसे करता है, फिर सामने वाले बंदे को मार देता है, फिर इमोट दिखाता है, बकचोदिया करता रहता है, जो बच्चों को देखना पसंद है उल्लू बना सकते हैं जैसे, करने के बाद फिर क्या करता है, मारने के बाद वो हो जाता है, फिर कंटेंट बच जाता है, फिर वो बंदा फिर से अपना नाम चेंज करके असीम आईटी रख लेता है विवज वाला, और ये क्या करता है अपनी चैनल में थंबनेल लगा देता है, मेरे गेम में राइस्टर आया, मैंने राइस्टर को मार दी, मेरे को इमोट दिखाया राइस्टर फलकाना ढिपकाना ये लौरा लहसुन लगा के अपनी चैनल में, और मेरे को राइस्टर ने बोला है बहुत अच्छी वीडियो बनाई है मेरे को सब्सक्राइब करो, कमेंट एडिट करके, ये करके इसकी खानदान जल दी है, और ये आ गया भाई रोस्ट करने। बता दो गाइस मैं सच बोल रहा हूं झूठ बोल रहा हूं, आप लोग खुद देख सकते हो, या आपके अगर आप उसके ट्रू सब्सक्राइबर हो तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ। अभी आ जाते हैं कि बॉस ऑफिशियल ने अपनी वीडियोस को प्राइवेट क्यों कर रहा है, कि ये सामने आके अपनी दिखा रहा है ना कि जीएसके स्ट्राइक मार रहा है इसलिए प्राइवेट कर रहा हूँ, कोई स्ट्राइक मारने की वजह से प्राइवेट नहीं हो रहा वीडियोस, इसकी गांड फटी है इसलिए टाइप हो रहा है, ये मादरचोद का बच्चे की गांड फटी है, समझ रहे हो, इसकी गांड फटी है इसलिए क्योंकि इसको स्ट्राइक आया नहीं है, आने वाला है, समझ रहे हो, जब ये सब बच्चूदी कर रहा है ना, ये मैं आपको बता दूं, मैंने कल भी इसको स्ट्राइक मारा है, इसके 3rd चैनल में, इसने एक चैनल खरीदा है 600 के सब्सक्राइबर वाला, जीएसके बोल रहा हूँ, बॉस शॉर्ट करके, उसमें मेरे को एक गाली देके वीडियो बनाया था मैंने देखा, उस पर मैंने स्ट्राइक मारा है कल, है ना,
तो मारना है तो भाई मैं मार सकता हूँ, ऐसा क्या बोल रहा है कि ट्राई कर रहा है, ट्राई कर रहा है, तेरे बाप हूँ क्या मैं बेंचो दिया, तेरी बीबी से शादी करने की ट्राई कर रहा हूँ, ट्राई कर रहा हूँ मादरचोद, कुछ ट्राई भाई नहीं, अगर मरना है ना एक घंटे के अंदर स्ट्राइक लग जाता है। ये बकचोदिया सिर्फ आप लोगों को सुनाने के लिए, जस्ट अपनी वो बोलते हैं ना पिछौरा बचाने के लिए कुछ भी बोल रहा है, और इसने स्काई की सारी वीडियो प्राइवेट कर दी, आप जाके चेक करो, इसने स्काई की सारी वीडियो प्राइवेट कर दी, और किस लिए प्राइवेट किया, क्योंकि इसकी गांड फट चुकी है, इस मादर जो की गांड फट चुकी है, इस पे पुलिस केस होने वाला है, एफआईआर होने वाला है, इसकी चैनल टेक डाउन करने वाले हैं हम लोग, एंड इसकी कंप्यूटर सेटअप भी उठाने वाले हैं, इसकी गांड फट चुकी थी, इसने सारी वीडियोस प्राइवेट कर दी, इसने इवन कम्युनिटी पोस्ट डिलीट कर दी अपनी, जहां पे इसने स्काईलॉर्ड को कुछ दिया था, फिर स्काईलॉर्ड की जलती हुई फोटो वो भी अपलोड किया, दो तीन पोस्ट करके रखा था स्काईलॉर्ड के ऊपर क्योंकि लाइक्स आ रहे थे, ये सब भी इसने डिलीट कर दी, क्यों, क्योंकि इसकी मां चुदी पड़ी थी, इसकी गांड फटी पड़ी थी, ये सिर्फ आप लोगों के सामने आके कुत्ते जैसे भौंकने वाला है ना, इसके अंदर से मां चुदी पड़ी थी, मेरे को कॉल करके बोलता है जी इसके निपटा ले मेरे साथ, है ना, इसकी मां चुदी पड़ी थी। तो यही बताना चाहता हूँ गाइस, जो भी मैनिपुलेट हो रहे हो ना, ये तो जस्ट मैंने आप लोगों को थोड़ा सा बता दिया कि ऐसा ऐसा सीन था, ऐसा ऐसा हुआ, और कैसे इसकी गांड फटी पड़ी थी, क्यों फटी पड़ी थी, और किस किस तरीके से स्काई की फैमिली वालों ने इसकी मां चुदी है, वो वीडियो में कल मैं अपलोड कर दूंगा अगर हो सके, या परसों। चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल दबा लो, मैंने अभी तक कभी भी जितने दिन के बाद मैंने कभी नहीं बोला कि चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन दबाओ, आज बोल रहा हूँ दबा लो, कल मैं आऊंगा। और क्या भोसरी के तुम्हारी तो ग्रुप का सबको कॉपीराइट आया है, सबकी सेकंड चैनल खोल लीजिए, ये ब्लॉग वाला इनके ग्रुप में हर बंदे को कॉपीराइट आ चुका है एक दिन में, और सबको भाई अभी ब्लॉग चैनल में इंटरेस्ट आ गया, सब ब्लॉग चैनल खोल रहे हैं, उस पे जाके सब्सक्राइब करो, मेरी सेकंड चैनल को सब्सक्राइब करो, मादरचोद लोगों को कितना उल्लू बनाएगा बे, मतलब कुछ भी। तो गाइस ये वाली वीडियो में जस्ट मैं आप लोगों को समझाया क्या चीज चल रहा है, ठीक है, क्या चीजें चल रहा है, और गाइस इस बंदे को एक्सपोज करने के लिए मेरे को स्पेशली भाई मैं इसकी स्काईलॉर्ड की थंबनेल भी यूज कर सकता हूँ, नाम भी यूज कर सकता हूँ, बट वो भी नहीं कर रहा। अगर मैं स्काईलॉर्ड की थंबनेल यूज करता हूँ, नेम प्लेट यूज करता हूँ, मेरी व्यूज डबल आएंगे, बट मैं फिर भी नहीं कर रहा हूँ, और ये बोल रहे कीवर्ड तेरी माँ को भाई मच्छर ने काटा था ना, प्रेग्नेंट हो गया ना तेरा माँ बहनचोद, और गाली वाली वीडियो बनाता ना तू अपनी सेकंड चैनल में, अगर मैं गाली वाली वीडियो में आ रहा हूँ ना, तेरी बहन की शादी नहीं होगी, समझ रहा है, तेरी बहन की शादी भी नहीं होगी, सोचेगा यूट्यूब करने क्यों आया था अगर मैं गाली वाली वीडियो में आ गया, समझ रहा है, तेरा माँ घर से नहीं निकल पाएगा, ऐसी वीडियो बना दूंगा, गाली वाली वीडियो नहीं बनाता, समझा रहा हूँ जस्ट, अभी भी तेरे को ठीक ठाक, समझ रहे ना, तू जैसे गाली वाली वीडियो बनाता ना अपनी सेकंड थर्ड चैनल्स में गालियां देता लोगों को। तो गाइस ये मैं आप लोगों को समझा दिया कि बंदा चूतियप्पा क्या कर रहा है। अभी जिन लोगों की इसके बाद भी इस वीडियो को देखने के बाद ही आप लोगों को लगता है कि नहीं भाई जीएस के तू झूठ बोल रहा है, बॉस मैनिपुलेट नहीं कर रहा, बॉस ऐसा नहीं कर रहा, तुम लोगों के लिए गिफ्ट है, या जिनको जी लोग मानते हो मेरे को, वो लोगों को भी, उन लोगों को भी मजा आएगा, कल की ऐसी एक क्लिप निकाल के दूंगा ना आप लोगों को, ऐसी एक क्लिप निकाल के दूंगा तो मतलब मजा। और हाँ, इसने अभी तुम लोग क्या बोल रहे हो कि छी भाई स्ट्राइक कोई मारता है क्या, मैं आपको बता दूं, मैं जहां पे स्ट्राइक मारता हूं, मैं आपको दिखा दूं, ये पैनल देख रहे हो भाई, तू तो एक मच्छर है, मच्छर तेरे जैसे लाखों यूट्यूबर को स्ट्राइक मार सकता हूं मैं, समझ रहा है, तू एक मच्छर है, लर्न झंड की बात, मैं पता है तू कौन है, मेरे को पता चल गया, तू वही बंदा है जब मैं स्काईलॉर्ड और साका भाई इस कम्युनिटी के लिए रेटिंग घटा रहे थे वो प्ले स्टोर में, हम लोगों ने 3 स्टार रेटिंग लाए थे, मतलब जो ग्रीना की रेटिंग होता है ना प्ले स्टोर में, वो 3 स्टार लगे आए, 2.9 पे भी आया था वो, मैंने स्काईलॉर्ड पे साका नहीं किया था, ठीक है, मैंने शुरू किया था, वो साका ने नाम दिया था, और वो स्काईलॉर्ड तभी नया नया आया था, ठीक है, चेंज फॉर अस नाम था उसका, चेंज फॉर अस आप लोगों को पता होगा, बहुत लोगों को चेंज फॉर अस चालू किया था, ये भोजरी के तब पार्टनर प्रोग्राम पे वो पीछे जाके खड़ा रहता था ना, तू वही मादरचोद है ना, पार्टनर प्रोग्राम में बैठ के पीछे चुपचाप खड़ा रहता था, इसकी वीडियो अपलोड करके चैनल चलाता था, मादरचोद तेरे को आज इतना पंख निकल गया, तू कॉन्ट्रोवर्सी करता है, लोगों को एक्सपोज करता है, मादरचोद दो दिन पहले तो लोगों की गांठ चढ़ता था पीछे बैठ के, तेरे जैसे लाखों यूट्यूबर को स्ट्राइक मार सकता हूँ, ये देख रहा है 2 मिलियन 3 मिलियन देख रहा है 400 के 500 के 600 के, बट किसी को नहीं मारा, तेरे को ही मारा, और क्या बोल रहा था स्काइड इसकी, ये क्या स्ट्राइक कोई मारता है क्या, अरे भोसरी का तूने भी तो मारा था द इन्फिनिट्स को, मैंने नहीं देखा, पहले तो तूने बोला मैंने स्ट्राइक ही नहीं मारा, 2 साल तक तूने बोला तूने स्ट्राइक नहीं मारा, बेचारे की चैनल चूत गई, अभी जब तेरे को एक्सपोज करने वाला हूं मैं कि इसने स्ट्राइक मारा था, पहले से ही आप लोगों को बता रहा है, हाँ गाइस मैंने स्ट्राइक मारा था बट मैंने वापस ले ली थी, ये बात क्यों बता रहा है कि मैंने स्ट्राइक मारा था बट वापस ले ली, क्योंकि मैं तो बोलने वाला हूँ ऐसे भी कि ये बंदा स्ट्राइक मारा है, तो भाई देखो कोई अगर किसी को एक्सपोज करने वाला है उससे पहले अगर बंदा आके बोल देता है तो एक्सपोज रहा नहीं, तो ये बंदा पहले ही मेरे से पहले आके सारे चैनल्स में, बेटू के चैनल में, वो लौड़ा क्या नाम है GW लौड़ा रसून के चैनल में जाके बोल रहा है मैंने स्ट्राइक मारा था वापस ले ली, क्यों बोल रहा है अभी एक्सपोज होने वाला है इस वजह से, तो ये सीन है, ये इस बंदे ने 3 स्ट्राइक मारा था बट 2 साल तक इसने कभी बोला ही नहीं, 1-2 साल तक इसने बोला ही नहीं कि मैंने स्ट्राइक मारा, उस बंदे की चैनल खराब हो गई, इससे अच्छा ग्रोथ थी उसकी, वो अपनी चैनल में मेहनत कर रहा था, उसकी चैनल चुद गई, आज के टाइम में 2000 व्यू नहीं आते, और ये बंदा क्या बोलूं यार, क्या बोलूं, कुछ बोलने का नहीं है, है ना, तेरी तो मारेंगे अच्छे से, तेरी जो बच्चे कुछ है, इस वीडियो को देखने के बाद भी जो बच्चे कुछ बच्चे तेरे को देखते हैं ना, नेक्स्ट वीडियो में ऐसी चीज छोड़ूंगा ना,
वो भी तेरे को गाली देके चले जाएंगे, तेरे चैनल खत्म भाई। तू जो स्पॉन्सर करता है ना स्टैंड वैन, मेरे को पता है तू कहाँ से स्पॉन्सर लेता है बे, इस कम्युनिटी के हर चप्पे के भाई बात में जानता हूँ। स्पॉन्सर करता है ना, स्पॉन्सर तेरी गांड में घुस जाएगी, समझ रहा है ना, कोई स्पॉन्सर नहीं देगा तेरे को, टेंशन मत ले, छपरी स्पॉन्सर करते फिरेगा। तो गाइस यही सीन है, चलो बाय यार।